हेलो स्टूडेंट्स, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं फोर्स एंड मोशन का पार्ट थर्ड। प्रीवियस दो क्लासेस में हमने फोर्स, मोशन और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड इन सब के बारे में पढ़ा। आज हम बात करने वाले हैं न्यूटन के लॉ की, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन स्टडीड फोर्स एंड मोशन एंड प्रेजेंटेड थ्री फंडामेंटल लॉज दैट गवर्न द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। दीज थ्री लॉज आर नोन एज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। दीज लॉज गिव अस द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ फोर्स। दीज गिव अस अ रिलेशन बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन के लॉ के बारे में। इन्होंने तीन लॉ दिए थे जो फोर्स के बारे में बताते हैं, रिलेटिव जो हमें फोर्स और मोशन के बीच में रिलेशन बताएंगे। इन दिस रिगार्ड गैलीलियो परफॉर्म सम एक्सपेरिमेंट्स इन द 17th सेंचुरी विच लेटर बिकम द फाउंडेशन ऑफ न्यूटन्स लॉज। गैलीलियो डेड्यूस दैट इफ एनी बॉडी इज इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन देन इट रिमेन्स इन मोशन अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट एक्टिंग ऑन इट। दिस इज द कंक्लूडिंग पॉइंट ऑफ द सेंटेंस इज मोर इम्पोर्टेंट एंड नेसेसरी। एक गैलीलियो नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने न्यूटन के लॉ को बताया था, एक्सप्लेन किया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है तो वो तब तक मोशन करेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। फॉर एग्जाम्पल, वैन वी रोल एनी बॉल ऑन फ्लोर देन आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस इट स्टॉप्स। अगर हम कोई बॉल को जमीन पर रोल करते हैं तो कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद वो स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। ऐसा क्यों होता है? द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड डिक्रीजेस स्लोली एंड ग्रेजुअली एंड आफ्टर अटेनिंग सम हाइट इट बिकम्स जीरो। जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो वेलोसिटी एकदम ज़्यादा होती है और जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा क्या होगी, वेलोसिटी उसकी कम होती जाएगी और जैसे ही वेलोसिटी कम होगी वो वापस नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा। एंड बॉडी फॉल्स डाउन टूवर्ड्स द अर्थ। इन दीज एग्जाम्पल्स वेरियस एक्सटर्नल फोर्स आर एक्टिंग ऑन द मूविंग बॉडी ड्यू टू विच देयर इज चेंज इन वेलोसिटीज ऑफ दीज। इन एग्जाम्पल से क्या समझ में आ रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा और अगर मूव कर रहा है तो मूव ही करेगा जब तक कि कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर कोई बॉडी मूव करती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड लेस कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज दैट स्टेट। क्या बोल रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है मतलब रुका हुआ है तो वो तब तक नहीं हिलेगा जब तक आप उसको एक्सटर्नल फोर्स नहीं दोगे, बाहर से उस पर कोई फोर्स नहीं लगाओगे तब तक वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। या फिर आप कह सकते हो अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो कब रुकेगा, जब आप उसको एक्सटर्नल फोर्स लगा के रोकोगे या फिर उस पर कोई ऐसा फोर्स अप्लाई होगा या उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी तब जाके वो ऑब्जेक्ट रुकेगा। एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूस टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एसेटेड अपॉन बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स। अब हम यहाँ पढ़ने वाले हैं एक टर्म इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। इनर्शिया का हिंदी मतलब होता है जड़त्व। कहने का मतलब है ये एक ऐसी टेंडेंसी होती है ऑब्जेक्ट की कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही पड़ा रहेगा और अगर मूव कर रहा है तो वो मूव ही करेगा जब तक कि उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना हो। इसलिए न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। वी कैन डिवाइडेड दिस लॉ इंटू टू पार्ट्स, लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। अब हम इसके दो पार्ट पढ़ेंगे, पहला जब वो रेस्ट में हो और सेकंड जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा हो। तो फर्स्ट है
लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एवरी बॉडी कंटिन्यूस इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड लेस कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज देयर स्टेट। एग्जाम्पल क्या होगा, इन आवर डेली लाइफ सम इवेंट्स बेस्ड ऑन इनर्शिया आर एज फॉलोज। इसके हम कुछ एग्जाम्पल देंगे। इसमें क्या होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा जब तक कि आप उस पर कोई फोर्स ना लगाओ। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल बेस है लॉ ऑफ इनर्शिया पे। अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ बस फॉल्स बैकवर्ड व्हेन द बस सडनली स्टार्ट्स मूविंग फॉरवर्ड। आपने देखा होगा कि जब आप बस में खड़े हो, ठीक है, और बस अचानक चल दे तो आप क्या होगे, एकदम से पीछे की तरफ हो जाओगे। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वहाँ पर लॉ ऑफ इनर्शिया काम करता है। When the bus moves the lower part of his body continues to remain at rest due to inertia। क्या होता है जब बस रुकी हुई होती है तो अगर कोई पर्सन वहाँ पर खड़ा है, बस में खड़ा है, तो उसके जो पैर हैं वो बस को टच कर रखे हैं, मतलब रेस्ट में है। और अचानक अगर वो बस चल पड़ेगी तो क्या होगा, जो लोअर पार्ट है बॉडी का वो तो रेस्ट में ही रहेगा और जो अपर पार्ट है वो एकदम से मूव करेगा और पीछे की तरफ हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल है द कारपेट इज़ बीटन विथ अ स्टिक टू रिमूव द डस्ट पार्टिकल्स। आपने देखा होगा घरों में जब हम साफ सफाई करते हैं तो कोई जो कारपेट है उसको हम किसी चीज़ से पीट कर साफ करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि डस्ट पार्टिकल उसमें जमे हुए रहते हैं, वो रेस्ट फॉर्म में रहते हैं। जब हम उसको बीट करेंगे तो वो क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, रेस्ट ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट है व्हेन अ हॉर्स सडनली स्टार्ट्स रनिंग देन मैन सिटिंग ऑन द हॉर्स फॉल्स बैकवर्ड। दिस इज ऑल्सो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर आप किसी घोड़े पर बैठे हो और वो अचानक से दौड़ना स्टार्ट कर दे तो आप क्या करोगे, पीछे की तरफ गिर जाओगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब घोड़ा रेस्ट में था तब आप उस पर बैठे हुए थे और आप भी क्या थे, रेस्ट पे थे। जब वो अचानक आगे की तरफ चलेगा तो आप किसकी तरफ होगे, पीछे की तरफ गिर जाओगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है व्हेन अ ट्री इज़ वाइग्रसली शेकन सम ऑफ द फ्रूट्स फॉल फ्रॉम ट्री। दिस इज़ ऑल्सो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्या आपने कभी ऐसा किया है, पेड़ पर फल लगे हुए हैं और आप पेड़ को जोर जोर से हिला रहे हो और आप देखते हो कि उस पर से फ्रूट्स जो हैं वो टूट कर गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब पेड़ रेस्ट पे था तो उसके फल भी क्या है, रेस्ट पर थे, और अचानक से उस पर कोई फोर्स लगा तो वो क्या करेंगे, मूव करेंगे और टूट के गिर जाएंगे। तो इस तरह से न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो हमें फोर्स के बारे में बताता है। अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ अ बॉडी इज इन मोशन इट विल कंटिन्यू टू मूव विद द सेम स्पीड unless no external force acts on it। Here are some examples of inertia of motion। क्या पढ़ रहे हैं हम? अभी हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ ही पढ़ रहे हैं। इसमें हमने रेस्ट के बारे में पढ़ा कि जब रेस्ट पे होता है तो फोर्स लगाने पर क्या होता है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तब हम देखेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उस पर जब हम फोर्स लगाते हैं तो उसका रिएक्शन क्या होता है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है एन एथलीट रन्स फॉर अ सर्टेन डिस्टेंस बिफोर टेकिंग अ लॉन्ग जंप। एक एथलीट क्या करता है, अगर उसको लॉन्ग जंप लेनी है तो वो पहले से काफ़ी दूर से दौड़ता हुआ आएगा और फिर जंप लेगा। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि द इनर्शिया ऑफ मोशन गेन्ड बाय हिम एट द टाइम ऑफ जंपिंग एड्स टू हिज मस्कुलर एफर्ट्स एंड हेल्प्स इन टेकिंग अ लॉन्गर जंप। ऐसा वो इसलिए करता है ताकि जब वो मूव करता हुआ आए और लॉन्ग जंप ले तो वो ज़्यादा दूरी तक कवर कर पाए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है व्हेन मूविंग बस ब्रेक्स टू स्टॉप द लोअर पोर्शन ऑफ आवर बॉडी ऑल्सो कम्स टू रेस्ट बट द अपर पार्ट ऑफ आवर बॉडी रिमेन्स इन मोशन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। हैंस वी फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। दिस इज ऑल्सो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बस मूव कर रही होती है और अचानक से उसके ब्रेक लगते हैं तो वो एकदम से रुक जाती है और हमारी बॉडी जो उसके साथ मूव कर रही थी, मूविंग में थी,
क्या होगा, एकदम से ब्रेक लगेंगे तो आगे की तरफ झुक जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इनर्शिया एंड मास। इनर्शिया और मास क्या होता है? डू ऑल बॉडीज हैव द सेम इनर्शिया? क्या सभी बॉडी का सेम इनर्शिया होता है? वी नो दैट इट इज़ ईजियर टू पुश एन एम्प्टी बॉक्स देन अ बॉक्स ऑफ फुल ऑफ बुक्स। एक खाली बॉक्स पड़ा है, आप उसको आसानी से फेंक सकते हो या पुश कर सकते हो, लेकिन अगर कोई बॉक्स किसी ऑब्जेक्ट से भरा हुआ है तो क्या होगा, उसको पुश करने में या उसको उठाने में आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। सिमिलरली इफ़ वी किक अ रबर बॉल, जब हम एक रबर की बॉल को किक करते हैं, इट फ्लाइज अवे, तो वो दूर तक जाती है। बट इफ़ वी किक एन आयरन बॉल ऑफ द सेम साइज विथ इक्वल फोर्स, इट हार्डली मूव। और जब हम आयरन की बॉल मतलब लोहे की बॉल को किक करेंगे, तो क्या वो, अगर उसकी साइज़ भी सेम है और आप उस पर फोर्स भी सेम लगा रहे हो, तो भी क्या करेगी, वो हार्डली मूव होगी, बड़ी मुश्किल से मूव होगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मास अलग अलग होते हैं, इसलिए उनका इनर्शिया भी अलग अलग होता है। क्लियरली हैवियर और मोर मासिव ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ लार्ज इनर्शिया, क्या होगा, जिसके ज़्यादा मास होगा उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। क्वांटिटिवली द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ मेजर्ड बाय इट मास, और कोई भी ऑब्जेक्ट का जो इनर्शिया है वो किससे मेज़र किया जाता है, उसके मास से। अगर मास ज़्यादा होगा तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, और अगर मास कम होगा तो इनर्शिया भी कम होगा। अब हम बात करेंगे न्यूटन के सेकेंड लॉ के बारे में। फर्स्ट लॉ तो फोर्स की इन्फॉर्मेशन देता है, सेकेंड लॉ किसकी इन्फॉर्मेशन देता है वो देखते हैं। द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चार्ज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्या बोल रहा है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम है उसका रेट क्या है, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, उस पर जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस पर, और किस डायरेक्शन में होगा, फोर्स की डायरेक्शन में। अ फील्डर कैन कैच द क्रिकेट बॉल मूविंग विथ नॉर्मल वेलोसिटी इज इजीली, व्हाइल ऑन द अदर हैंड अ बुलेट ऑफ स्मॉल मास लेस देन अ क्रिकेट बॉल मे किल अ पर्सन व्हेन फायर्ड फ्रॉम गन। क्या बोला गया है कि अगर कोई फील्डर फील्डिंग कर रहा है, क्रिकेट बॉल को वो आसानी से कैच कर लेगा, क्यों, क्योंकि उसकी वेलोसिटी क्या है, नॉर्मल है। और अगर कोई गन से फायर कर रहा है तो क्या होगी, वो बुलेट आने में बहुत ही कम टाइम लेगी और वो उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है, क्यों, क्योंकि वो ज़्यादा वेलोसिटी से फायर की गई है। चाहे मास उनका सेम हो लेकिन वेलोसिटी क्या करेगी, वेलोसिटी अगर ज़्यादा हो तो आप उसको कैच नहीं कर पाओगे। कैच कैसे करोगे, क्या आप बुलेट को कैच कर सकते हो, नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इन अदर वर्ड्स देयर अपीयर्स टू एग्जिस्ट सम क्वांटिटी ऑफ इम्पोर्टेंस दैट कम्बाइन द ऑब्जेक्ट्स मास एंड इट्स वेलोसिटी। यहाँ पे क्या कनेक्टिविटी हो रही है, मास और वेलोसिटी की। वन सच प्रॉपर्टी कॉल्ड मोमेंटम, और इसी को हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं। और मोमेंटम को इंट्रोड्यूस किसने करवाया था, न्यूटन ने, जो हम सेकेंड लॉ में पढ़ेंगे। अब यहाँ हम एक डेरिवेशन समझेंगे, द मोमेंटम पी। मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं, पी से। ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास। मोमेंटम पी क्या होता है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्शन, मतलब मास और वेलोसिटी को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो किसकी वैल्यू आती है, मोमेंटम की। और मोमेंटम क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ देखो हम एक बहुत अच्छा कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। सपोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम, मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है और उसका मास क्या है, एम है, और वो मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, यू, और यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड टू वेलोसिटी वी, और टी टाइम बाद उसकी वेलोसिटी हो जाती है वी। तो उस पर जो फोर्स अप्लाई होता है उसकी वैल्यू क्या आती है, वो हम डेरिवेशन से समझेंगे। यहाँ देखो मोमेंटम दे रखा है पी, मास दे रखा है एम, वेलोसिटी वी है, तो क्या होगा, पी इज इक्वल्स टू एम मल्टीप्लाई वी। ये हमारी हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, जहाँ से स्टार्ट किया था
वो क्या होगा पी वन। पी वन मतलब क्या होगा एम यू, एम मल्टीप्लाई यू। यू क्यों किया, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी स्टार्टिंग वेलोसिटी हमने क्या मानी है यू। देन क्या होगा ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी मोमेंटम आफ्टर टी। अब क्या होगा हम ले रहे हैं दूसरा मोमेंटम, वो मोमेंटम क्या है टी टाइम के बाद। टी टाइम के बाद कोई बॉडी मूव करती है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी वी। तो पी टू इज इक्वल्स टू एम वी हो जाएगा, ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। अब हम देखेंगे कि अगर इस मोमेंटम में टी टाइम के साथ चेंज हो जाता है तो कैसे निकालते हैं। टी इज इक्वल्स टू क्या आएगा डेल पी। डेल पी का मतलब क्या है पी टू माइनस पी वन। अब यहाँ से हम क्या करेंगे P2 की वैल्यू क्या थी mv और P1 की वैल्यू क्या थी mu। तो P2 की वैल्यू में से P1 की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास वेलोसिटी क्या आएगी mv v माइनस यू, ये हमारी हो जाएगी फिफ्थ इक्वेशन। अब हम देखेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अगर मोमेंटम में टाइम के साथ चेंज होता है तो उसको हम किस तरह लिखेंगे एम वी माइनस यू अपॉन टी, ये हमारी बन जाएगी सिक्स इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन के सेकेंड लॉ में क्या बोला गया था कि फोर्स किसके इक्वल होगा, फोर्स इक्वल होगा मोमेंटम के। और वो कितना टाइम ले रहा है मतलब उसकी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है उसके, तो एफ प्रोपोर्शनल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी। जब आप इसको इक्वल में लोगे तो कांस्टेंट के आएगा। यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है ये जो एम वी माइनस यू अपॉन टी है ये क्या है एक्सेलरेशन है। तो वी माइनस यू अपॉन टी को हम ए से डिनोट कर सकते हैं क्योंकि ये क्या है एक्सेलरेशन है। तो एफ इज इक्वल्स टू के एम डॉट ए, ये हमारा फाइनल रिजल्ट आया है, यही न्यूटन के सेकेंड लॉ में बताया गया है। अब न्यूटन के सेकंड लॉ के हम एग्जांपल्स या एप्लीकेशंस देखेंगे। किकिंग अ बॉल, जब हम एक बॉल को किक करते हैं तो क्या होता है, व्हेन वी किक अ बॉल वी एक्सर्ट्स फोर्स इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। हम क्या करते हैं जब हमें बॉल को किक करना हो तो किसी एक डायरेक्शन में हम उसको किक करते हैं, फोर्स लगाते हैं, विच इज़ द डायरेक्शन इन विच इट विल ट्रेवल। इन एडिशन द स्ट्रोंगर द बॉल इज किक्ड द स्ट्रोंगर द फोर्स वी पुट ऑन इट एंड द फर्दर अवे इट विल बी ट्रेवल। वो हम पर डिपेंड करता है कि हम उसको कितना फोर्स लगाएं और हम उसको कितना दूर तक भेजना चाहते हैं। अगर हमें ज़्यादा डिस्टेंस कवर करवानी है तो हम क्या करेंगे उस पर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पुशिंग अ कार्ट, मतलब एक मालगाड़ी को या एक ठेले को पुश करना, किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करना। इट इज़ ईजियर टू पुश एन एम्प्टी कार्ट इन अ सुपर मार्केट देन इट इज़ टू पुश अ लोडेड वन। क्या होगा जब आप किसी खाली ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हो तो आपको आसानी होगी, आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर वो कार्ट या वो ऑब्जेक्ट भरा हुआ है तो क्या होगा उसको पुश करने में आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करने पड़ेंगे। मोर मासेज रिक्वायर्स मोर फोर्स, अगर मास ज़्यादा है तो आपको फोर्स भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बॉडी बी इज इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन इन मैग्नीट्यूड द फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए। द फोर्स which A exerted on B is called the action and the force exerted by B on A is called the reaction. This gives us an alternative statement of the third law. Newton के third law में क्या बताया गया है कि अगर आप कोई action लेते हो तो उसके opposite reaction होगा। अब दो body है A और B, अगर आप B से A पर force लगाते हो तो इसको क्या बोलोगे action, और अगर ए जो है वो वापस बी पर फोर्स लगाएगा तो क्या हो जाएगा रिएक्शन। तो कोई भी रिएक्शन के अपोजिट एक्शन होता है या कोई भी एक्शन के अपोजिट रिएक्शन होती है तो क्या होगा उसको हम नाम देंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन जी के थर्ड लॉ के कुछ एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट है ड्यूरिंग स्विमिंग अ स्विमर पुशेस वाटर बैकवर्ड बाय हिज हैंड एंड लेग्स अप्लाइज फोर्स, मतलब
अगर कोई स्विमर स्विमिंग कर रहा है तो अपने हाथ पैरों से वो पीछे की तरफ फोर्स लगाता है। द रिएक्शन ऑफ दिस फोर्स मूव्स हिम फॉरवर्ड। जैसे ही वो पीछे की तरफ हाथ पैरों से फोर्स लगाएगा, उसकी जो बॉडी है वो आगे की तरफ मूव करेगी। एक्शन और रिएक्शन यहाँ भी हो रहे हैं। सेकेंड है, व्हेन द बोटमैन पुशेस अलोंग द रिवर बैंक विथ अ बैम्बू पोल, द रिवर बैंक ऑफर्स एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दिस रिएक्शन हेल्प्स द बोट टू मूव फर्दर इन टू द रिवर। इसका मतलब क्या है? कोई नाविक है, उसको अपनी बोट या नाव चलानी है, तो वो क्या करेगा, एक पोल, एक लकड़ी की सहायता से क्या करेगा, पानी को पीछे की तरफ धकेलेगा। जैसे ही वो पानी को पीछे की तरफ डालेगा, उसकी बोट क्या है, आगे की तरफ चलना स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे अपोजिट रिएक्शन हो रही है, मतलब न्यूटन का थर्ड लॉ काम कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल है, द ब्लेड्स ऑफ द प्रोपेलर ऑफ एरोप्लेन थ्रू एयर बैकवर्ड एट ड्यू टू रिएक्शन द एरोप्लेन मूव्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। जो एरोप्लेन की ब्लेड्स होती हैं, पंख जो होते हैं उसके, वो क्या करते हैं, एयर को पीछे की तरफ धकेलते हैं। इससे क्या होगा, अपोजिट रिएक्शन होगी, मतलब जो एरोप्लेन है वो आगे की तरफ मूव करेगी। नेक्स्ट है, व्हेन अ गन इज फायर्ड इट एक्सर्ट्स अ फॉरवर्ड फोर्स। जब एक गन जो है वो फायर की जाती है तो उसके पीछे की तरफ फोर्स लगता है। द बुलेट एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स ऑन द गन। दिस रिजल्ट इन द रिकॉइल ऑफ द गन सिंस द गन हैज़ अ मच ग्रेटर मास देन द बुलेट। द एक्सेलरेशन ऑफ द गन इज मच लेस देन द एक्सेलरेशन ऑफ द बुलेट। द मैन हु फायर द बुलेट सफर्स थ्रस्ट। क्या होगा, जब कोई पर्सन गन से फायर करता है तो बुलेट तो आगे की तरफ जाती है और गन पर एक फोर्स लगता है पीछे की तरफ, और जो इंसान उसको चला रहा है उसको एक थ्रस्ट या हल्का सा फोर्स लगेगा पीछे की तरफ। तो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन हो रही है, कोई एक्शन हुआ उसके अपोजिट रिएक्शन हुई। यहाँ भी न्यूटन का थर्ड लॉ काम कर रहा है। नेक्स्ट है, When we move on earth or push any trolley or hand cart, then we use our muscular force. जब हम चल रहे हों और चलते चलते किसी ट्रॉली को हाथ से पकड़ रखा है और उसको खिसकाते हुए चल रहे हैं, तो क्या होता है, वहाँ पे हमारी मसल्स काम करती है, मतलब मस्कुलर फोर्स लगता है। Paying attention on going forward, we push the road below backward. जब हम चलते हैं तो हमारे पैरों के थ्रू क्या होता है, पीछे की तरफ फोर्स लगता है, जिसको फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। तो यहाँ भी एक्शन के अपोजिट रिएक्शन हो रही है। द रोड एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स ऑन आवर फीट टू मेक अस मूव फॉरवर्ड। नाउ वी मस्ट हैव अंडरस्टूड व्हाई इट इज़ हार्ड टू मूव ऑन सैंड ऑन अ स्मूथ सरफेस। क्या होता है, इसीलिए कोई भी रेत या फिर कोई स्मूथ सरफेस, चिकना सरफेस होता है, वहाँ पर चलने में प्रॉब्लम आती है। क्यों आती है, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन कम होता है। फ्रिक्शन क्या होता है, मोशन के या फोर्स के अपोजिट लगने वाला फोर्स। यहाँ भी न्यूटन का थर्ड लॉ काम करता है। अगर हम पीछे की तरफ अपने पैरों को कर ही नहीं पा रहे हैं, पीछे की तरफ फोर्स लगा ही नहीं पा रहे हैं, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है रॉकेट का। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एक्टिंग ऑन द रॉकेट पुशेस द रॉकेट इन द अपवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू एक्शन ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस फ्रॉम बैक साइड। क्या होता है, रॉकेट के बैक साइड से कुछ गैसेस निकलती है जो अर्थ की तरफ फोर्स लगाती है, और उसके अपोजिट रिएक्शन में जो फोर्स लगता है उसी से रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है। तो रॉकेट लॉन्चिंग में भी न्यूटन का थर्ड लॉ काम आता है। वी कैन फाइंड आउट फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये हमने न्यूटन के थर्ड लॉ से पढ़ा। और क्या पढ़ा, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। एक्शन और रिएक्शन फोर्स आपस में इक्वल होते हैं और एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं। अगर अपवर्ड लग रहा था तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, बैकवर्ड। एंड नेक्स्ट है, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स देयरफॉर देयर इक्विलिब्रियम इज नॉट पॉसिबल। आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।